हेलो एवरीवन, तो ये है मेरे लाइफ का सबसे पहला मिनी व्लॉग। हम जा रहे हैं फैमिली वेकेशन के लिए सिंगापुर। तो हम पहुंच चुके हैं चंगी एयरपोर्ट। वहां पहुंचते ही हम सब इतने हैरान हो गए कि एयरपोर्ट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाली हमने, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये एयरपोर्ट है। तो उसके बाद हम गए इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ और मैं बिल्कुल हैरान हो गई देखकर कि फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस था इमिग्रेशन का। एक मिनट के अंदर इमिग्रेशन ख़त्म हो गई, ना किसी लाइन में रुकना था ना कुछ। उसके बाद हमने अपना लगेज लिया और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया एयरपोर्ट पर। मैकडी से हमें ज़्यादा ऑप्शंस वेजिटेरियन के तो मिले नहीं, तो मॉम डैड के लिए सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही मिले। उसके बाद हमने कैब बुक की और हम चले गए अपने होटल की तरफ। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी वेकेशन स्टार्ट हो रही थी और सिटी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जितनी वीडियोज़ निकालो उतनी कम थी। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी होटल, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें रूम इतना जल्दी मिलने वाला था नहीं, 2-3 घंटे और थे। तो हम लंच के लिए चले गए, बाजू में ही एक हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया साउथ इंडियन, तो हमने वहाँ अच्छे से खाना वाना खाया। उसके बाद हमें रूम मिला। रूम में पहुँचते ही सोचो मैंने क्या किया होगा। सबसे पहले हमने बनाई मसाला चाय, जिसके बिना मैं बिल्कुल इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं करती। गर्मा गर्म चाय पी, फिर हम तैयार हुए और निकल गए घूमने के लिए। होटल लॉबी में पहुंचकर हमने निकाले थोड़े फोटोज़। जब तक टैक्सी आए हम वेट कर रहे थे और रूही ने करके दिखाया मुझे काट पीर, देखो कितना अच्छे से करती है ना। उसके बाद हम टैक्सी में बैठे और आज हम कवर करने वाले हैं 2 प्लेसेस, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। आज हम जा रहे हैं सिंगापुर फ्लायर और टाइम कैप्सूल। आप चाहें तो टाइम कैप्सूल नहीं भी जा सकते हैं, बट बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टाइम कैप्सूल। अगर आपको हिस्ट्री वगैरह जानने में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे पक्का जाइए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे म्यूजियम्स वगैरह में तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं और बहुत सारी गेम्स थी प्रैक्टिकली, जिसे बच्चे यूज़ करके हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, तो उनको बहुत फन लग रहा था। रूही ने तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, आप देख सकते हैं, मतलब मेरे बोलने से ज़्यादा आपको दिखेगा कि ये कितना ज़्यादा फन और इंटरैक्टिव है। बेसिकली अगर आपको सिंगापुर की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। रूही ने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आप देख सकते हैं, और हमने भी इंजॉय किया। तो उसके बाद हम जा रहे हैं अभी सिंगापुर फ्लायर की तरफ। इन दोनों के टिकट्स मिला के हमें पड़ा $40 पर पर्सन और बच्चों के लिए $25 इज़ द प्राइस। ये तो बहुत ही टेरिफिक एक्सपीरियंस था, पूरा सिटी व्यू आप देख सकते हैं। तो जब हम इसके टॉप पे पहुँचे ना, उसके बाद तो क्या बताएं, मतलब एकदम ज़बरदस्त व्यू था। लगभग 30 मिनट्स लग जाते हैं इसको पूरा कवर करने में, बट इट्स वर्थ इट, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मज़ा आया हमें काफ़ी। और हाँ, आप यहाँ पर जब भी जाएं ना, इवनिंग टाइम में ही प्लान करना, ताकि आप डे और नाइट दोनों टाइम का व्यू एंजॉय कर सकें। फिर हम वहाँ से निकले, हमने और थोड़े फोटोज़ निकाले, स्ट्रीट फूड एंजॉय किया और उसके बाद हम चले गए वापस अपने होटल और जाके सो गए क्योंकि काफ़ी टायर्ड थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।